एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने कोई ब्लॉग नहीं लेके आई, ना ही कोई टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। आज मेरा जो वीडियो है एकदम छोटा सा वीडियो रहेगा। तो आज मैं आपके सामने क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेके आई हूँ। तो मैंने आपसे कम्युनिटी टैब में कई बार दो बार क्वेश्चन किए थे कि क्वेश्चन आंसर वाला मैं वीडियोस लेके आ रही हूँ, तो आप उसके रिलेटेड, आप मुझसे और मेरी फैमिली से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे क्वेश्चन कीजिए, मुझसे रिलेटेड स्पेशली। तो मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं तो उसके मैंने अभी आंसर देने हैं, उसके आंसर लेके आई हूँ मैं। और ये जो क्वेश्चन आंसर है ये मेरे से रिलेटेड है, मेरी लाइफ से रिलेटेड। आपसे मैंने बोला था कि आप मुझसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछिए। तो यहाँ पर सबसे पहले है साई नीतू, इन्होंने मुझे क्वेश्चन किया है और इन्होंने स्पेशली कल भी, आई थिंक कल की वीडियो में पूछा आपके क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो कब आ रही है। तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरे जो कज़न की वो मैरिज थी तो उसमें थोड़ा सा बिजी चल रहे थे। तो अभी फ़िलहाल मैंने सोचा कि चलो आज मैं बना ही लेती हूँ। तो इन्होंने, ये मेरे बहुत ही अच्छे सपोर्टर हैं तो बहुत ही अच्छे सपोर्ट करते हैं ये मुझे, तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो ये मुझे सबसे पहले पूछते हैं आपकी एजुकेशन। तो मेरी एजुकेशन मास्टर डिग्री रह चुकी है, मैंने MBA किया है। तो GNDU जो यूनिवर्सिटी है पंजाब में, तो उससे मैंने MBA किया था और BEd भी मेरी साइंस और मैथ्स में है, और BSc रह चुकी है मेरी ग्रेजुएशन में। तो ये मेरी एजुकेशन है और डिटेल में आपको आपको पता ही चल गया होगा। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, शादी के पहले आपकी लाइफ कैसी थी? क्योंकि शादी के बाद तो वो आप मेरी लाइफ देख रहे हो, शादी के बाद नहीं मीन्स कि जब से मैं YouTube पे हूँ तब वो वाली आप लाइफ मेरे देख रहे हो। बट ये जो पूरी लाइफ है 24 घंटे में से मैं कितने 10 to 12, जब मेरे 20 से कम ही मिनट रहते हैं तो 10 मिनट की, 12 मिनट की आप मेरी लाइफ देखते हैं। वैसे उसमें भी काफ़ी कुछ जज किया जाता है। तो मेरी शादी से पहले की जो लाइफ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाऊंगी। तो शादी से पहले से मैं अभी कहाँ से स्टार्ट करूँ, आई थिंक मुझे बाय बर्थ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मेरा जो बर्थ हुआ था वो कपूरथला में हुआ था, पंजाब में। काफ़ी लोगों को पता होगा कपूरथला में रेलवे बनाए जाते हैं, रेलवे की फैक्ट्री है, रेलवे फैक्ट्री फेमस। तो वहाँ पर मेरा जो बर्थ हुआ था। उसके बाद फिर देन क्योंकि जो मेरे पापा है वो आर्मी से रह चुके हैं रिटायर, तो हम लोगों की लाइफ ओवरऑल हम पूरी इंडिया में घूम चुके हैं। उसके बाद हम लास्ट अपने पंजाब में आए हैं, लास्ट जो हमारा स्टेशन था वो पंजाब था। तो उसके बाद मेरी एजुकेशन, आपका क्वेश्चन ये था कि शादी से पहले आपकी लाइफ, तो ये एजुकेशन में रही। उसके बाद MBA किया तो फिर हॉस्टल लाइफ रही है और एस फैमिली के साथ रही है। तो यही लाइफ रही है, जैसे कॉलेज लाइफ रहती है वैसी लाइफ, फिर सिंपल लाइफ रही है। और कॉलेज लाइफ तो आपको पता है काफ़ी अच्छी होती है। कॉलेज में मेरी फ्रेंड्स थी काफ़ी, अभी भी जस्ट काफ़ी कांटेक्ट में है। और जो रेगुलर मेरे, और एक क्वेश्चन है वो उसमें आ जाएगा, एक कंप्लीट आंसर। तो उसके बाद ये सब लाइफ थी। तो आपको और डिटेल में पूछना था मुझे, क्वेश्चन कर लीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और उसके बाद आपकी बेस्ट फ्रेंड्स, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स अभी जस्ट यूट्यूबर्स भी है। यूट्यूबर्स के अलावा जो मेरे कॉलेज टाइम की फ्रेंड्स है वो है, और जो कि मेरे खास फ्रेंड, हम लोग कॉलेज टाइम से काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं, अभी तक हमारी बात होती है। तो मेरी जी एक फ्रेंड है ममता, जिससे कि मुझे मेरी आज तक बात होती है। तो हम लोग NCC भी हमने ही साथ में की थी। हम आपको NCC की पिक दिखा देती हूँ, यहाँ पर देखना। तो पैमायरेज से पहले ऐसी थी मैं। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्लॉगिंग करने का आइडिया कैसे आया, एंड अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो क्या करते?
तो ब्लॉगिंग करने का मुझे आइडिया आया, मैंने एक ऐसी मतलब जब रितवान छोटा था तो मैं ऐसे ही यूट्यूब ऐसे देख रही थी, तो उसमें है ना इंडियन ब्लॉगर, एक्चुअली नाम लेना यहाँ पर कहा जाता है कि यूट्यूब में नाम नहीं लेते, तो चलिए मैं ले लेती हूँ। तो जो सोमवाली जी है उनकी मैं ब्लॉग्स देखती थी स्टार्टिंग में, शुरू में उनके मतलब एक ब्लॉग आया, फिर मैंने देखा वो मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने उनके दो तीन ब्लॉग्स देखे, फिर रेगुलर मैं उनके ब्लॉग्स देखने लगी। तो फिर मुझे लगा ऐसे तो हम भी ब्लॉग्स डाल सकते हैं, बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं घर के थ्रू ही, मतलब घर बैठे बैठे आप कुछ कर सकते हैं। तो तब मैंने मुझे ये आइडिया आया तब जाकर। और फेवरेट यूट्यूबर्स आपने पूछा है, वो मैं नेक्स्ट उसका जवाब देती हूँ। उसमें इस वाले में था कि ये आइडिया मुझे आया यूट्यूब ब्लॉगिंग करने का, फिर देन यूट्यूबर नहीं होती तो क्या होती, यूट्यूबर नहीं होती तो मैं एज टीचर हो सकती थी क्योंकि मैंने बीएड की है, और मैंने काफ़ी मतलब एग्ज़ाम्स की तैयारी भी की थी, एग्ज़ाम भी दिए थे। और तो मैंने एक SSB, आपने सुना होगा आर्मी का एग्ज़ाम है, वो भी दिया था। तो वो था हमारा SSB इलाहाबाद, इलाहाबाद में था, तो वहाँ गए थे। तो वो 2-3 डेज का था, उसमें भी मेरा नहीं हो पाया क्योंकि पता नहीं कुछ रीज़न रह चुके थे, तो वो हुआ नहीं। कुछ कहा जाता है ना कि इंसान को जो मिलना है वही मिलना है, चाहे कितना भी कर लो, तो जो लक में लिखा होता है वही होता है। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो साथ साथ में, क्योंकि MBA की थी मैंने, तो फिर मैंने सोचा चलो साथ में प्राइवेट जॉब हो जाएगी और साथ में मैं जो गवर्नमेंट जॉब की है उसकी मैं थोड़ी सी मैंने ट्रेनिंग भी ली थी, कोचिंग ली थी जिसको बोलते हैं कोचिंग, तो वो मैंने चंडीगढ़ से लिया था। तो साथ साथ में मैं कोचिंग ले रही थी, पहले मैंने कोचिंग ली थी और साथ में मैंने सोचा चलो कोचिंग लेकर मैं एग्ज़ाम दे देती हूँ, अगर नहीं हुआ बाई चांस तो, क्योंकि ये MBA की डिग्री है तो जॉब कर सकते हैं। तो मैंने मैंने सोचा पार्ट टाइम भी स्टार्ट कर लूँगी बाद में, पहले एग्ज़ाम दे देती हूँ। एग्ज़ाम देते देते ही क्या हुआ कि मैं एग्ज़ाम दे के आ रही थी, एक संडे का एग्ज़ाम था, तो ये IFS कुछ फॉरेस्ट सर्विस का वो एग्ज़ाम था, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं मैंने, तो वो मैं दे के आ रही थी, जस्ट उस टाइम मैंने दे स्टार्ट किया था देना। तो जब मैं देने दे के आ रही थी, मेरा एक अटेम्प्ट हो गया था, सेकंड वाले में दे के आ रही थी, तो जस्ट मेरा जो एक्सीडेंट है वो हो गया, ऑटो से आ रहे थे ऑटो पलट गया और मेरी पूरी लेग पे आर्म पे बहुत चोट आई थी उस टाइम। तो थी मैं वहाँ चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर वापस घर आई, पेरेंट्स फिर पापा ने कहा कि नहीं हमने नहीं भेजना है, घर पे ही कुछ करो, जो करना घर पे ही करो, इतनी दूर हमने नहीं भेजना। तो फिर उन्होंने भेजा नहीं, और उसके बाद यहाँ से ही फिर काफ़ी 4-5 मंथ ऐसे ही रही, मतलब चला भी नहीं जाता था इतनी ज़्यादा, पूरी लेग जो मेरी लेग की बोन है वो फ्रैक्चर होने से बच गई, बट स्वेलिंग हो गई थी पूरी लेग पे, वेट नहीं डालना होता था, डॉक्टर ने बोला था वेट नहीं डालना। तो ये सब था, फिर 2-4 महीने के बाद मतलब एकदम से ऐसा हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा दिल को है ना सगमा सा लग जाता है, वैसा सा हो गया था। फिर उसके बाद ठीक हुआ, धीरे धीरे ठीक हो गया। फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पास में स्कूल था, स्कूल में जाना स्टार्ट किया एज अ टीचर। फिर टीचिंग तो वैसे मेरे को इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैंने ना जैसे BSc की थी, BSc के साथ ही मैंने बैंक का एक डिप्लोमा भी ले लिया था साथ साथ में, BSc करते करते उसमें एक सर्टिफिकेट होता है एक डिप्लोमा होता है वो किया था। तो फिर मेरा आइडिया आया कि MBA करना है, मेरे दिमाग में था, फिर MBA किया। और MBA भी कर कर कुछ मुझे वैसा नहीं लगा, मैंने चलो चलो MBA कर ली है जॉब कर लेंगे, तो वो था।
और एमबीए मैंने सोचा था चलो थोड़ा सा दूर एरिया से करेंगे, बट पेरेंट्स है ना वो मानते नहीं थे, वो तो कहते पंजाब के अंदर ही, वो मुझे दूर नहीं भेजना चाहते थे, पास पास में ही रखना चाहते थे। तो पंजाब एरिया में फिर यही GNDU में ही किया। तो ये सब थी बातें। फिर उसके बाद मैंने एज अ टीचर बन गई। फिर मैंने उसके बाद मैंने बैंक के भी एग्ज़ाम दिए एक दो, बट नहीं क्लियर हुआ, एक दो दिए थे, और फिर BEd की साथ में। और अब तो मेरा पूरा माइंड सेट हो गया कि मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकती। अब एज अ यूट्यूबर लाइफ बहुत अच्छी भी है, एंड अगर आपके अच्छे व्यूज़ जा रहे हैं, अच्छे काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, वो उन्होंने काफ़ी ऑफिस बनाया हुआ है एज अ यूट्यूब से ही रिलेटेड, तो इनकम यूट्यूब में बहुत ही अच्छी है। अगर यूट्यूब में आपका करियर अच्छा हो जाता है तो अच्छी है, अगर नहीं होती है तो यूट्यूब एज अ पार्ट टाइम भी कई लोग कर रहे हैं आपकी जॉब के साथ यूट्यूब भी, बट यूट्यूब को इतना जो हम लोगों की साइड है ना, हम इंडियंस इतना मतलब हम लोग जैसे विलेज में रहते हैं, इतना कोई सोचता नहीं कि यूट्यूब के थ्रू आपको इतनी इनकम भी मिल सकती है। तो मैं बोलना चाहूँगी जिनके अच्छे व्यूज आ रहे हैं, अच्छे हो, अभी मेरे जितने नॉर्मल आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जितने मुझे मिल रहे हैं इनफ है, काफ़ी है, तो इन फ्यूचर और ज़्यादा भी अच्छे हो सकते हैं, मिल सकते हैं। और इन फ्यूचर मैं ये ब्लॉग यूट्यूब एज अ यूट्यूबर ही पूरी ज़िंदगी रहूँ ये भी मैं बोल नहीं सकती। मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, तो साथ साथ में आपको पता चल जाएगा क्या क्या मैं कर सकती हूँ क्योंकि डिग्रीज तो मेरे पास बहुत बहुत मीन्स की जो जितनी भी है उससे रिलेटेड मैं कोई वर्क कर सकती हूँ, बट मुझे अभी ये है कि मैं कुछ और जब मैं मतलब पहले ना मैं कम बोलती थी, बहुत ही कम बोलती थी, अभी भी कम ही बोलती हूँ, बस यूट्यूब पे आकर ही थोड़ा बहुत बोलने स्टार्ट हुई हूँ। तो ये सब था, बाकी डिटेल्स आपको मिलती रहेगी साथ साथ में ब्लॉगिंग के साथ ही। उसके बाद आपने क्वेश्चन पूछा है आपकी फेवरेट यूट्यूबर कौन है और क्यों, और कुछ याद, हाँ क्वेश्चन इन्होंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्होंने किए हैं और ये मेरे फेवरेट हैं, मतलब फेवरेट सपोर्टर है। तो हाँ फिर उसके बाद आपने पूछा फेवरेट यूट्यूबर बहुत सारे हैं, बट कुछ एक है जैसे आप स्वाति दीदी देख लेंगे वो है, एंड यूट्यूबर मतलब काफ़ी सभी अच्छे हैं, बुरे मैं किसी को नहीं कहूँगी, सभी अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। तो और ये है यूट्यूब में किसी को कोई सपोर्ट नहीं करता, ये देख ये बात ज़रूर है, कुछ एक परसेंट है कोई कोई जो सपोर्ट करते हैं। उसके बाद रश्मि दीदी है, ये भी बहुत अच्छे हैं, और भी काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, किरण दीदी है, और मेरे नोन में काफ़ी अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, सभी उन सब मतलब सभी को देख कर आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलेगी। और मुझे मतलब कभी कभी मैं डिप्रेस हो जाती हूँ कि हाँ सपोर्ट भी या कुछ, तो फिर मोटिवेट डीमोटिवेट हो जाती, फिर जब मैं किसी यूट्यूबर की वीडियो देखती हूँ देन अगेन मैं मोटिवेट हो जाती हूँ, तो ये है। उसके बाद यहाँ पर मुझे क्वेश्चन आया है अनु मल्होत्रा, अनु मल्होत्रा का है आप कहाँ रहते हैं, तो मैं रहती हूँ पंजाब में, अगर आपने सुना हो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम, जहाँ से सन्नी देओल जी ने यहाँ से स्टार्ट किया था इलेक्शन लड़ना, तो वहाँ से हूँ मैं, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्टार रह चुके हैं और भी काफ़ी सारे हस्ती है गुरदासपुर से है। तो मेरा जो मायका है वो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और जो मेरा ससुराल है वो पास में ही पड़ता है, वो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है, साथ में होशियारपुर के अंदर ही पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और जलंधर पास पड़ता है, हमें जो इस एरिया के हैं उनको पता होगा, अमृतसर पास पड़ता है,
तो ये इस एरिया से हूँ मैं। और उसके बाद दीपक कुमार पूछ रहे हैं आपको क्या क्या पसंद है वो बताइए। अब मुझे पसंद, आप किस वे में पूछ रहे हैं, खाने में मुझे काफ़ी कुछ पसंद है, स्पेशली मुझे डोसा पसंद है। तो मुझे साउथ इंडियन की बहुत सारी डिशेस हैं, वो मुझे साउथ इंडियन की बहुत सारी डिशेस पसंद है। तो मुझे मौका मिलेगा मैं साउथ इंडियन ज़रूर जाऊंगी, मैं साउथ इंडियन सॉरी साउथ इंडिया ज़रूर जाऊंगी। साउथ में मेरा जाना नहीं रहा है, मैं साउथ में नहीं गई हूँ, ईस्ट में गई हूँ, वेस्ट में गई हूँ, नॉर्थ में गई हूँ और सेंटर में गई हूँ तो महाराष्ट्र तक गई हूँ, साउथ में नहीं गई। साउथ में जब भी जाऊंगी तो काफी मुझे मेरे सपोर्टर हैं उनसे भी मिलना है, तो साउथ में मेरा है इरादा जाने का, एक बार साउथ में जाने का। और क्या पसंद है खाने में मैंने बता दिया आपको। और मुझे क्या पसंद है, मुझे ये पसंद है कि थोड़ी सी लाइफ चेंज करनी चाहिए, एक ही बोरिंग लाइफ में नहीं रहना चाहिए, थोड़ी सी चेंज 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 मुझे पसंद है, चेंज होना चाहिए थोड़ा सा। आपका एरिया चेंज होना चाहिए एंड सब कुछ चेंज होना चाहिए, लाइक मी थोड़ा सा चेंज हुई हूँ। और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, लाइक हर चीज़ में इंटरेस्ट रखना चाहिए, कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती। तो ये सब मुझे पसंद है और काफ़ी कुछ आप जानेंगे मेरे ब्लॉग्स और वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट में आप सभी के कमेंट्स हैं वो मैं ऐड करती हूँ, और आप लोगों के नेम भी, उनको मैं स्क्रीनशॉट में लास्ट में ऐड कर देती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। और ये मैंने सोचा था कुछ क्वेश्चन आंसर का डिफरेंट सा वीडियो लेके आऊँ, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। अगर आपके भी क्वेश्चंस हैं, कुछ करना चाहते हैं आप, मुझसे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, जहाँ कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आते हैं। और आपको अगर किसी से रिलेटेड कोई टिप्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, तो उससे रिलेटेड भी आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं आपको, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।